हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कार्डियक साइकिल के बारे में, हृदय चक्र या फिर कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने ब्लड के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखी है तो आप पहले इनको देखिए। आई थिंक अगर आप पहले इनको देखेंगे तो आगे की चीजें आपको ज्यादा क्लियर होती चलेंगी। देखिए, कार्डियक साइकिल क्या होता है? ये हमारी जो हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट के शुरू होने से अगली हार्ट बीट के शुरू होने तक जो साइकिल होता है, हृदय चक्र, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो इसको हम समझेंगे किस तरह से। देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है हमारे हार्ट के अंदर। हमारे हार्ट में हमने क्या बोला था, चार चैम्बर होते हैं। ये ऊपर वाले हमारे एट्रीम होते हैं, दोनों ही, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एट्रीम। और नीचे वाले जो साइकिल सॉरी नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से हमारे चार चैम्बर होते हैं। इसमें जो हमारे ऊपर वाले दो चैम्बर है एट्रीम्स होते हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, एट्रिया। जब ये एट्रिया जो है वो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ब्लड हमारा नीचे के चैम्बर्स में चला जाता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो और फिर वेंट्रिकल जब सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड हमारा कहाँ पर जाता है, ये देखिए पूरा जो साइकिल होता है किस तरह से। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगी, बाकी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे तो आपको क्लियर होती चलेंगी चीजें। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा सुपीरियर वेना कावा और यहाँ पर होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा भी होती है, तो इस इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हमारी वेना कावा होती है, महाशीरा होती है, वहां से ब्लड क्या है एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ पर, ये हमारा होता है इस वाले चैम्बर में। ये हमारा कौन सा था, एट्रीम, हमारा एट्रीम होता है। राइट एट्रीम, यहाँ पर ब्लड पहुंच गया, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड। हमने पढ़ा था हार्ट वाली वीडियो के अंदर, जो हमारे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड है वेना कावा के थ्रू हमारे कहाँ पर आता है, राइट एट्री में आता है। और सेम टाइम पर देखिए, यहाँ पर जो ब्लड आएगा इस वाले एट्रीम के अंदर, ये दो चैम्बर है ना, तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा हमारे, वो हमारे लंग से आएगा, हमारे लंग से यहाँ पर आएगा। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। तो यहाँ पर इस टाइम पर इम्प्योर ब्लड है राइट एट्री में, लेफ्ट एट्री में हमारा लंग से आया हुआ प्योर ब्लड है। तो जैसे ही ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाली जो एट्रीम है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाता है, तो ब्लड हमारे कहाँ पर चल जाता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है नीचे की तरफ को। इसके थ्रू ये वॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे क्या है, वॉल्स है, बाइकस्पिड वॉल्स, और ये वाला हमारा ट्राइकस्पिड। तो इन बॉल्स के थ्रू ब्लड हमारा कहाँ, वेंट्रिकल्स में चला गया। और फिर जब वेंट्रिकल यहाँ पर पंप करेगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा, तो इसका मतलब है पंप करेगा, कहाँ पर जाएगा फिर ब्लड, ब्लड यहाँ वाला जो ब्लड जाएगा हमारा कहाँ पर जाएगा, वो तो हमारे लंग्स में जाएगा। और इस वाले वेंट्रिकल का ब्लड हमारा एओर्टा से होते हुए बॉडी पार्ट में चला जाएगा। ये एक प्रोसेस है और इसी को बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल, और इसी से हमारी एक बीट जो है कंप्लीट होगी। आप इमेज में देख सकते हैं इतनी फास्ट हमारी जो बीट होती है 0.8 सेकंड की, 0.8 सेकंड में ये बीट हमारी कंप्लीट हो रही है। देखिए कितनी फास्ट हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है। तो इसको ही देखिए स्टेजेस में पढ़ेंगे, क्या स्टेज होती है इसकी, और इसमें एक टर्म याद रखनी है, ये चीजें हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड, यहाँ इस इमेज में शो किया गया है कि जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, हमारे लंग्स में जाता है, और ये यहाँ वाले वेंट्रिकल का ब्लड हमारे एओर्टा से होते हुए बॉडी पार्ट में जा रहा है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, जब हमारे एट्रीम जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर ब्लड कहाँ पर फिल हो रहा है, वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। ये दो टर्म आपने याद रखनी है। सिस्टॉली जब होता है, इसमें क्या होता है, जब ब्लड पंप कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ रहा है, तो ये सिस्टॉली होता है। डायस्टॉली जब रिलैक्स होता है, जब इसमें ब्लड भरने लगता है।
इसकी स्टेजेस देखिए, पहली स्टेज आती हमारी आर्टियल सिस्टोली, जिसमें हमने क्या बोलता है, आर्टरिया क्या हो गया हमारा, जब दोनों ही हमने बोला कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होते दोनों मिलकर क्या टर्म बन गई, एट्रिया होता है, ये एट्रियम ही होता है, एट्रिया इसका दोनों ही जब मिलके बनते हैं तो एट्रिया। तो एट्रिया जो है वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो ब्लड होगा इसके अंदर एट्रियम्स के अंदर जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में जाएगा। ये पहली स्टेज है, अभी हमने यही चीज पढ़ी है। तो पहली स्टेज के अंदर क्या आ गया कि ब्लड हमारा कहाँ पर जाएगा, इन एट्रीम से कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल्स की तरफ को जाएगा। तो यह है पहली स्टेज, ये होती है 0.1 सेकेंड की। 0.1 सेकेंड में क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट एट्रीम जो है वो इनमें संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिकुड़ जाएंगे और यहाँ पर ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ये स्टार्ट होता है किससे, SA नोड से। एस ए नोड हमने पढ़ा था वीडियोस, पिछली वीडियोस के अंदर। एस ए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड। सबसे पहले क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो आता है कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कुछ स्टिमुलेंट्स आते हैं कहाँ पर, हमारे एट्री में, राइट एट्री में आते हैं, तभी उनको पता चलता है कि अब उन्हें सिकुड़ना है। तो ये जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेंट कुछ मिलते हैं तभी आगे का काम होता है। तो क्या होगा कि एस ए नोड जो है वो सिग्नल देगा, तभी यहाँ पर एट्रियम जो है, दोनों ही जो एट्रियम है, राइट और लेफ्ट आलिंद जो होते हैं वो संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसी टाइम पर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। उसी टाइम पर वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तभी तो इनमें ब्लड भरेगा, ये संकुचित होंगे, ये सिकुड़ जाएंगे। ब्लड यहाँ कहाँ से होते हो जाएगा, वॉल्व से होते, इन दोनों के बीच ट्राइकस्पिड वॉल, इन दोनों के बीच में यह बाइकस्पिड, या फिर उसको ही मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड जाएगा और फिर ये जो है वॉल्व बंद हो जाएंगे। तो ये यहाँ से ब्लड जाएगा, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड जाएगा, ये वॉल्व भी बंद हो जाएगा। तो ब्लड यहाँ पे भर गया, ठीक है। तो यहाँ के बाद फिर आगे का जो स्टेज टू है, इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है। इसमें अब यहाँ पे ब्लड भर चुका है, ये वॉल्व बंद हो चुके हैं, तो यहाँ पर अब ब्लड कहाँ पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में है। तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा कहाँ पर जाएगा, लंग्स की तरफ को जाएगा। ये जो वॉल्व है, सेमी लूनार या प्लमनरी वॉल्व इसको बोलते हैं, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, फिर प्लमनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ जाएगा, पंप करेगा ब्लड को, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जो वॉल्व है हमारा एओर्टिक वॉल्व, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, एओर्टा से होते हुए बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। एक चीज इसमें और हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें लब डब की आवाज होती है, तो ये इसी सेमी लुनार वॉल्व की वजह से होती है और बाइकस्पिड वॉल्व की वजह से होती है, हार्ट में लब डब की आवाज आती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन होता है, जो कि ब्लड को कहाँ भेजता है, एओर्टा से होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ, बाहर ब्लड को भेज देता है। ये इसमें है 0.3 सेकेंड में ये प्रोसेस पूरी होती है। जो तीसरी स्टेज हमारी आर्टियल एंड वेंट्रिकुलर डिस्टॉली, इसमें जो हमारे चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, उनमें जो है ब्लड भरने लगता है, ठीक है। यानी यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में अब ब्लड भरने लगता है। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा यहाँ पर ब्लड भरने लगता है, और यहाँ पर जो ब्लड आएगा कहाँ से आएगा हमारा, ये लंग्स से आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड भरने लगेगा। 0.4 सेकेंड का यहाँ पर ये टाइम लेता है, यानी जैसे हमारा वेंट्रिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को, उसके बाद 0.4 सेकेंड के लिए जो हमारे चैम्बर रिलैक्स करते हैं। तो ये इसमें तीन स्टेजेस इसमें आ गई, कौन कौन सी, पहले में हमारा ये जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड नीचे जाता है, फिर यहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं थोड़े टाइम के लिए। ये तीन स्टेज बिल्कुल सिंपल है, और फिर वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ब्लड भर गया और यहाँ पर भी ब्लड भर गया, तो दोबारा से ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, और फिर दोबारा से ब्लड नीचे जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से ये चक्र एक चलता रहता है, ये हमारा कार्डियक साइकिल होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा अब तक।
फिर हम जो बात कर रहे थे लब डब साउंड की, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो हमने बोला था, क्या है ट्राइकस्पिड। तो ये जो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हमारा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ब्लड यहाँ पर हमारा यहाँ पर आते हैं, ब्लड हमारा नीचे की तरफ को आता है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो हमारे कौन से साउंड इसी टाइम पर, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल सेम टाइम पे क्लोज होंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एट्रियम है सेम टाइम पे सिकुड़ सिकुड़ रहा है, और फिर ये दोनों ही वॉल्व सेम टाइम पे देखो क्लोज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप इमेज में, ये देखिए क्लोज हो रहा है, ये भी सेम टाइम पे क्लोज हो रहे हैं। तो इनके क्लोज होने से क्या साउंड बनता है, लब का। और उसी तरीके से जब यहाँ पर वेंट्रिकल से जाएगा सेमी लूनार वॉल्व की तरफ को, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए जब यहाँ पर ब्लड जाएगा सेमी लूनार वॉल्व से, जो प्लमनरी वॉल्व भी उसको बोलते हैं, उसके बंद होने से क्या साउंड बनेगा, डब का। डब का जो सेमी लूनार वॉल्व जब क्लोज हो जाएंगे तो उसको उससे क्या साउंड बनेगा, डब का। तो लब डब का साउंड बनता है। और एक और साउंड इसमें आता है कार्डियक मरमर का, के हार्ट में मरमर का कुछ एक्स्ट्रा नॉइस होती है जो आती है, किसकी वजह से, जब हमारा ब्लड जो है वो ठीक तरीके से फ्लो नहीं कर रहा होता है तो मरमर की जैसी आवाज आती है, जस्ट आपने इसको याद रखना है। अब देखिए कार्डियक साइकिल हमने पढ़ा 0.8 सेकंड का हमारा होता है, 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है। तीन स्टेज हमने इसमें पढ़ी, फर्स्ट स्टेज कितने सेकंड की थी हमारी, 0.1 सेकंड की। दूसरी स्टेज हमारी जब वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो दूसरी स्टेज हमारी 0.3 सेकंड की, और थर्ड हमारी 0.4 सेकेंड की। तो टोटल 0.8 सेकेंड का हमारा पूरा कार्डियक साइकिल बनता है, और 1 मिनट में हमारे 72 कार्डियक साइकिल होते हैं, यानी 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल, और उतनी ही हमारी हार्ट रेट होती है। हार्ट रेट को हम इस तरह से ही डिफाइन करते हैं, हार्ट रेट क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है कार्डियक साइकिल की एक तरह से, ठीक है। और हार्ट जो हमारा धड़कता है कितनी बार, 72 बार, तो ये एक ही चीज है, उसी को हम हार्ट रेट बोलते हैं। तो हार्ट रेट जो है फ्रीक्वेंसी बताता है कार्डिक साइकिल की ही। हाँ, इसी तरीके से देखिए जो हार्ट रेट हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है एज के अकॉर्डिंग। न्यूबॉर्न के अंदर 140 पर मिनट होती है, 1 ईयर के अंदर 120 पर मिनट, 2 ईयर 110 पर मिनट, फिर 5 ईयर 90 to 100 पर मिनट, और 10 ईयर 80 to 100 पर मिनट, और एडल्ट के अंदर 60 to 80 पर मिनट। ये हमारी एडल्ट के अंदर एवरेज 72 पर मिनट्स रहती है, 72 बीट पर मिनट रहती है। इसी तरीके से जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसको निकाल सकते हैं हम, जैसे 220 को एज से माइनस कर लिया तो हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट निकल सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे 220 किसी की एज यानी 65 है तो कितना हो गया, 155 होगा, यानी इसकी 65 अगर एज है तो हार्ट रेट कितनी होगी, 155 पर मिनट। तो ये इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम हार्ट रेट को जानने का, 220 को माइनस करना है एज से। तो ये जो हार्ट रेट हमारी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जो हार्ट रेट है तो प्रैक्टिस करने से हम अपनी हार्ट रेट को कम भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हार्ट रेट मैंने बताई आपको 72 पर मिनट रहती है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं हम, तो उस टाइम पर ये कितनी, 180 पर मिनट तक पहुंच जाती है। और जब हम यहाँ पर जो भी प्रशिक्षित खिलाड़ी होते हैं, ट्रेंड खिलाड़ी होते हैं, हार्ट रेट को कम करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी जो हार्ट रेट है वो कम हो सकती है, 40 to 50 पर मिनट तक वो अपनी हार्ट रेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अभ्यास पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने एथलेटिक हार्ट एक टर्म पढ़ी होगी, तो ये क्या होता है कि बार बार जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करने से जो हमारा हार्ट का साइज होता है, आकार होता है, वो बड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है हमारा हार्ट, तो उसी को ही हम एथलेटिक हार्ट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें देखिए जो रह गई है हमारी, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पर, पंप करने पर कितना ब्लड जो है वो
करेगा उसकी मात्रा को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, यानी एक बीट में हमारा कितना ब्लड पंप होता है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे ये हमारा मान लीजिए हार्ट है, तो ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यही जो है हमारा ब्लड पंप करता है कहाँ पर, पूरे बॉडी पार्ट में, एओर्टा से होते हुए यही पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को पंप करता है कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार पंप करने में, एक बार जब ये सिकुड़ जाएगा और ब्लड यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो उस एक बार पंप करने में कितना ब्लड ये पंप करेगा उसकी मात्रा को ही हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा नॉर्मली कितना होता है, आराम की स्थिति में ये 70 ml होता है, और जितना हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उतना ही हमारा क्या रहती है, हार्ट रेट होती है। यानी 70 ml अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है तो 70 पर मिनट हमारा हार्ट रेट रहेगा। ये इसमें आगे देखिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट हमारा होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा। तो ये भी वही चीज देखिए, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो था जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम था, ये था हमारा 1 बीट में एक बार धड़कने में कितना ब्लड पंप करेगा, और जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो हमारा 1 मिनट में, 1 मिनट्स में कितना ब्लड ये पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल या हमारा हार्ट, तो वो हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया। तो कार्डियक आउटपुट हमारे दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारा जो हार्ट रेट है, अगर 70 पर मिनट अगर किसी की हार्ट रेट है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml है, तो कितना हो गया ये, 70 × 70, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट 49 ml/min, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर/min ब्लड जो है वो पंप करेगा 1 मिनट में। तो ये हमारा क्या है, कार्डियक आउटपुट निकल गया। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट है, यानी कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है हमारी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पे, और स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट को अफेक्ट करने के कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं, कारक कौन कौन से हैं, तो ये आप देख सकते हैं, एज है, फिटनेस लेवल है, ये हॉर्मोन्स है, सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी पार्ट 3, तो यहाँ पर ही वीडियो होता है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे।